लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे लाखों लोगों को सरकार ने राहत दी है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के बाद अब अन्य राज्य में फंसे मजदूर, विद्यार्थी, तीर्थयात्री और पर्यटक जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में फंसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को विशेष बस से अपने अपने राज्य में वापस लाने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बहस होने लगी थी। बहरहाल गृह मंत्रालय ने राज्यों को फंसे लोगों को लाने और ले जाने की व्यवस्था के लिए सीमित पाबंदियों के साथ गाइडलाइंस जारी की है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या हैं गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस। राज्य इस काम के लिए नोडल अथॉरिटीज नामित करेंगे और फिर ये अथॉरिटीज अपने अपने यहाँ फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगी। जिन राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होनी है, वहाँ की अथॉरिटीज एक दूसरे से संपर्क कर सड़क के जरिए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करेगी। जो लोग जाना चाहेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखेंगे तो उन्हें जाने की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही के लिए बसों का उपयोग किया जा सकेगा। बसों को सैनिटाइज करने के बाद उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के मुताबिक ही लोगों को बिठाया जाएगा। कोई भी राज्य इन बसों को अपनी सीमा में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा और उन्हें गुजरने की अनुमति देगा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद लोगों को लोकल हेल्थ अथॉरिटीज की ओर से जांच की जाएगी। बाहर से आए लोगों को घूमने फिरने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा। जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में भी भर्ती किया जा सकता है। उनकी समय समय पर जांच होती रहेगी। ऐसे लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा ताकि उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा है कि केंद्र ने बिहार सरकार की उस मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया था कि अन्य राज्यों में फंसे बिहार के छात्र, पर्यटक और तीर्थयात्री अगर बिहार वापस आना चाहें तो उसके लिए केंद्र द्वारा छूट प्रदान की जाए। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 3 मई के बाद भी आंशिक या पूर्ण रूप से लॉकडाउन जारी रह सकता है। इतने लंबे वक्त तक घरों से दूर रहने की वजह से प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक परेशान हो गए थे। वो किसी भी कीमत में अपने घर जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि देश भर में इस खतरनाक वायरस से अब तक कुल 31,787 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बीमारी से 7,797 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस जानलेवा बीमारी से देश में अब तक 1,008 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।